प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको, आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीषित आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमेन। जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम जिंदगी का जा, जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम, 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 पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का बोझा, जिंदगी का देव ही आया, तेरे मेरे पापों यीशु नाम, 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 झुक जाओ कदमों में सारे, सब नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो सब नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देव ही यारा, दुनिया को दे दो ये पैगाम,
यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जा, जिंदगी का देव ही आरा, यीशु नाम जिंदगी का जा, जिंदगी का देव ही आरा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया प्रभु तेरे वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द ऑसो ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए, आप लोगों के साथ में सहभागिता रखने के लिए। परमेश्वर ने एक और मौका दिया, हम लोग इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं। आप लोगों को सिखाते सिखाते, स्टडी करते करते हमें भी बहुत सारे बातें सीखने को हमको मिलती है। इसलिए पवित्र आत्मा की को भी धन्यवाद देते हैं जो कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम तेरे वचन के अध्ययन में जा रहे हैं प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और जुड़ेंगे प्रभु जी, हर एक के संग साथ हो ले यहोवा परमेश्वर पिता। जो लोग ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके संग साथ भी होइएगा प्रभु जी, और इन वचनों के द्वारा से बातचीत कीजिएगा प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जिन बातों को आप बोलना चाहते हैं उनको प्रभु परमेश्वर पिता हमारे श्रोतागणों तक लेकर पहुँचाइए प्रभु जी, ताकि आपकी बातें समझ में आने पाए और आपका राज्य का आशीष प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में दिखाई से आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ऐसे स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, आमेन। हम लोग कुछ सप्तों से यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं और एक एक दृष्टांत को आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। और दृष्टांत से पहले हमने किंगडम का सीरीज, एक लंबा सीरीज चलाया परमेश्वर के राज और धार्मिकता के विषय में, उसके राज को खोजने के विषय में। और जितने लोग उन सारे सीरीज को देखे हैं, इन सारे दृष्टांतों को भली भांति समझने पाएंगे। अगर आप में से नया कोई ज्वाइन किया है आज, तो कृपया जाकर आप करीब करीब 15 या 16 एपिसोड है वो सबको देख लीजिएगा, पुराना जितना है, ताकि आप लोगों को ये यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत आप लोगों को समझ में आएगा। हालेलुया। सो आज जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं वो है पैराबल्स ऑफ जीसस पार्ट 3, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत पार्ट सिक्स। ये पार्ट सिक्स है और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है द मस्टर्ड सीड, यानी राई के दाने का जो दृष्टांत है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इस राई के दाने के विषय में जो दृष्टांत कहा गया है, ये केवल एक सुसमाचार में नहीं है, ये हम लोगों को, हम दो जगह से उठाते हैं आप लोगों के लिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 उसका 30 से लेके 32 तक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। हाँ, परमेश्वर के राज्य की उपमा, उसका एग्जाम्पल हम किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। कौन सा स्टोरी को लाऊं, कौन सा दृष्टांत को लाऊं और इसको एक्सप्लेन करूं। तो यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की विषय में जब बताते थे, बहुत सारे दृष्टांतों को लेकर आए हैं। उस दृष्टांत से अलग अलग पहलू से जब पवित्र आत्मा रिवील करते हैं, बातें करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य को हम लोग अलग अलग एंगल से समझने पाते हैं, उसके आयाम को हम समझने पाते हैं। हालेलुया। और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही हमारे जीवन के लिए सोल्यूशन के रूप में दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, हे छोटे झुंड मत डरो, परमेश्वर को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे, और राज्य को दिया है परमेश्वर ने, और यही हमारे लिए आंसर है। इसीलिए हम लोग इन दृष्टांतों के माध्यम से और बेहतर रूप से हम लोग
परमेश्वर के राज को और उसके कार्यकलाप को हम लोग समझने पाएंगे, उसका फंक्शनैलिटी को और अच्छी तरह से हम लोग बेहतर समझने पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद क्या क्या कहता है उसका, उसको अब किस कैसे वर्णन करूं बोल रहा है, अभी वो वर्णन कर रहा है। किसका उदाहरण लेके देखेंगे? वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज कैसा है, एक राई के दाने के बराबर है, उसके जैसा है। राई यानी सरसों का बीज, जो कि देखने में बहुत छोटा होता है, जब बोया जाता है तो सब बीजों से छोटा गिना जाता है, लेकिन जब उगता है तो सारे साग पात वाले जो कैटेगरी है उस पौधों में से सबसे बड़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, क्या कर सकते हैं बोलते, उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसके छाया में बसेरा कर सकते हैं, बसेरा कर सकते हैं और करते भी हैं। हालेलुया। और यही दृष्टांत को और एक जगह से पढ़ेंगे हम लोग, लुका उसका 13 उसका 18-19। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ। और मैं उसकी उपमा किससे दूं? यस। वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हाँ। आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस धरती में आए थे लोगों का समस्या का निवारण करने के लिए, हल करने के लिए। क्योंकि इंसान इस धरती में जब आदम और हवा ने पाप किया और आदम के जीव और हवा के जीवन में जब पाप आया, वो लोग पाप किए तो उसके साथ में श्राप भी इंसान के ऊपर में आ गया। इस धरती में को प्रभु श्रापित कर दिया। तब से ये धरती और ये वातावरण हम इंसान लोगों से फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। और यीशु मसीह इस धरती में ये सारा समस्या से लड़ने के लिए, या तो इंसान को जो अंदर में जो अशांति है और इंसान जो रो रहा है, तड़प रहा है, आंसू भरे जीवन है, उससे नजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आया, ताकि लोगों के आंसू को पोछे, उनके दर्द को मिटाए, उनको दुखों को हर ले और उनको असीम शांति दे, उनको रेस्ट दे, पीस दे। इसलिए यीशु मसीह इस धरती में आया। और ये धरती में यीशु मसीह इसका हल देने के लिए उसने अपने राज्य को फैलाया है, स्वर्गीय असर को इस धरती में डाला है। आइए देखते हैं कुछ एक वचनों को कि धरती का स्थिति परिस्थिति क्या है और यहाँ का वातावरण क्या कहता है। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 16 उसका 33 में क्या लिखा हुआ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह, कह रहा है, चलो से कह रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुमको मुझ में, राजा में, प्रभु में शांति मिले। इस प्रकार का बात कोई भी महापुरुष आके नहीं कहा कि मैं ये प्रवचन दे रहा हूं, ये सब बातें सुनो कि मुझ में तुमको शांति मिले। अगर इस प्रकार का बोलने वाला है, गारंटी देने वाला है, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां कह रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रवचन सुनो, पहाड़ में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वहां साधना करो, वहां ये करो वो करो, तुमको शांति मिलेगी। लेकिन यीशु ना कोई पहाड़ में भेजता है, ना कोई जंगल में भेजता है, ना कोई चोटी में भेजता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, मेरे बातों में तुम्हें शांति मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह का कहा हुआ बात जो है वो आत्मा है और जीवन है, जिसको आप लोग सुन रहे हैं। और जब सुनते हैं आप उस तसल्ली से, उस आनंद और उस खुशी से आपका हृदय, आपका आत्मा भर जाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं फिर से, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में क्लेश होंगे, क्योंकि संसार में क्लेश है और आज भी हैं, क्लेश होता है। परंतु यहां पर एक बात कहा है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु तुम्हें परंतु ढाड़स बांधो, गेट एनकरेज्ड बोलता है, याओ हो तुम्हारे अंदर में, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें मुझ में शांति मिलेगा, ये यीशु कहता है। और एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये वचन से सब कोई लोग वाकिफ है, हम लोग कितना लोग पढ़ते हैं इसको, मत्ती उसका 11:28-30, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम तो इस धरती में करना है हमको, ओके, लेकिन ये बात जो है, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करते हैं फल नहीं आता है, बोझ से दबे हुए रहते हैं, बहुत सारे चीजों में हम लोग हाथ लगाते हैं कि ये फलवंत हो जाए और फलवंत नहीं होने पाता है, बहुत सारे हम लोग बिजनेस में हाथ लगाते हैं फलवंत नहीं होता, कर्जा में डूब जाते हैं, कर्जा का बोझ हमारे ऊपर में आ जाता है, बहुत सारे बातें हैं। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यहां एक बात, पॉइंट टू बी नोटेड, जुआ उठा लो बोलता है और मुझसे सीखो। आपको इस प्रकार का विश्राम, इस प्रकार का शांति सीखने के द्वारा से होगी। यीशु के पास में आएंगे और सीखेंगे, वो टीच करना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है। और वैसी सीख तो उसने दृष्टांत बोल बोल कर बहुत सारी बातें सिखाई है। जब दृष्टांतों को समझ जाते हैं और उसमें जो करने के लिए कहा गया है उसको हम लोग करते हैं, तो परमेश्वर का राज का असर हमको स्पर्श करता है, हमारे जिंदगी को स्पर्श करता है, हमारे परिवार को स्पर्श करता है, हमें परमेश्वर का राज का असर जो है हमारे बिजनेस को स्पर्श करता है, हमारे हेल्थ को स्पर्श करता है, छूता है और हमको एक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है, हमको रिफ्रेश्ड फॉर्म में रखता है, हमको शांतिदायक जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे सीखने के तरीके द्वारा से, सीखने के द्वारा से जब सीखोगे तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। इसका मतलब जब कोई बात बताई जाती है परमेश्वर के राज के विषय में, जब हम सीखते हैं उसको समझ लेते हैं, समझने का द्वारा से क्या होता है, परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में ट्रांसफर होती है। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसे नहीं, जब बातों को समझते हैं प्रभु की बातों को, तब जाके परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में ट्रांसफर होती है और हमें विश्राम मिलता है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। शैतान एक जुआ को डालता है इस संसार में, लोगों के खांधों में, यहां पर जैसे बैल के ऊपर में जुआ रहता है और वो हल को खींचता है, शैतान क्या करना चाहता है, जुआ को डालने की कोशिश करता है, वो अपना जुआ को, और हमें दबाने की कोशिश करता है, उठने देना नहीं चाहता है, हमारे प्रमोशन को रोकता है, हमारे बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास में भी एक जुआ है, उसको अपने कंधे में ले लो बोल रहा है, मुझसे सीखो बोल रहा है। और यीशु मसीह भी, जब जुआ जो डाला जाता है बैल का, तो दो बैल होते हैं, दोनों बैल के ऊपर में कंधे में होता है, हाफ हाफ, प्रेज गॉड। यीशु मसीह अपना जुआ का एक भाग को हमको देना चाहता है और मुझसे सीखो, मुझसे चलना सीखो बोल रहा है। मालूम यीशु मसीह के कंधे में कौन सा जुआ था, कौन सा जुआ था, मैं नीचे बताऊंगा जब वचन को हम लोग देखेंगे। इस संसार में क्लेश होता है, इस संसार में क्लेश है। दाऊद बहुत नाना प्रकार के निराशाजनक बातों से गुजरा था, दुख और तकलीफ से गुजरा था, इवन भयभीत करने वाली बातें उसके जीवन में आई थी। और दाऊद एक वाक्य में, एक जगह में क्या कहता है, आइए पढ़ेंगे उसको, भजन संहिता उसका 27, उसका 13-14। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। हाँ, अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर, जीवित लोग जग हैं वहां पर, परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, परमेश्वर भलाई करेगा, परमेश्वर भलाई करता है, लेकिन अगर भलाई करेगा कि नहीं करेगा डाउट होता बोलता है, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मूर्छित हो जाता बोलता है, मैं फेंट हो जाता बोलता है। लेकिन अपने आप को एनकरेज करता है वो कि परमेश्वर भला है, उसकी भलाई को मैं जीवितों के बीच में देखूंगा, मेरे जीवन में देखूंगा, मैं भी जीवित हूं, और इसीलिए मैं मूर्छित नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है,
मैं फेंट नहीं हुआ। आगे क्या लिखता है? यहोवा की बाट जोहता रह। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रह। हियाव बांध। हाँ, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, हाँ यहोवा ही की बाट जोहता रह। वो आज हमको दाऊद सिखा रहा है, यहोवा की बाट जोहता रह। ओके, धीरज धर। मैंने भी बाट जोहा, मैंने भी धीरज धरा, क्योंकि मैंने विश्वास किया था मैं उसकी भलाई को देखूंगा, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो यहोवा की ही बाट जोहता रह बोल के आज इंस्ट्रक्शन देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया गया है, और उस सुसमाचार को एक्सप्लेन करने के लिए यीशु मसीह नाना प्रकार का दृष्टांत को लाकर इस एंगल से, उस एंगल से, दृष्टांत के द्वारा से उसको बार बार एक्सप्लेन करना चाह रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा उसके राज्य के विषय में जानेंगे, उसके पहलुओं को जानेंगे, समझने पाएंगे, उतना ही परमेश्वर का राज्य का असर आपके जिंदगी में उतना ही ज्यादा होगा, और एक असरदार जीवन को इस धरती में जीने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यह इस दृष्टांत में कह रहा है, परमेश्वर का राज शुरुआत में उसका जो काम है बहुत छोटा सा दिखाई देता है, राई के दाने के बराबर जैसे, वैसे। लेकिन जब बढ़ता है, बढ़ता कैसे है परमेश्वर का राज, उसका असर बढ़ता कैसे है? समझ के द्वारा से। जैसे जैसे उसके राज के विषय में हम लोग उसका भेद खुलते जाता है, उसको खोजते जाते हैं, वो राई का दाना जो है वो पेड़ लेकर आता है वो हमारे जीवन में, और जो उस पेड़ में क्या होता है, हालेलुया, हम एक एक व्यक्ति बसेरा करते हैं, जितने लोग समझते हैं परमेश्वर का राज हमारे बीच में है, वो फैल चुका है, बढ़ चुका है, उसका असर आ चुका है, उसकी डालियां, उसकी शाखाएं फैल चुकी है। हम जब उसकी बातों को समझते हैं तो उस शाखा में बैठकर हम लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। आज संसार भर में सुसाइड का रेट बढ़ रहा है, और इस कोरोना काल में 2 साल के अंदर में बहुत सारे उथल पुथल हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे देश में नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा हल निकाले, लेकिन उनका हल नहीं निकलने पा रहा है, लोग निराशा में है। ऐसे स्थिति परिस्थिति में लोग जान दे रहे हैं। किसान लोगों का स्थिति देखिए, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज एक बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन हमारे पास में और आपके पास में इस बोझ को दूर करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का राज का असर इस धरती में आ चुका है, और बोला है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है और बढ़ा है, तुम लोग चिड़िया लोग हो, तुम लोग इसमें बसेरा करो, उसकी डालिया में आ जाओ, बोल रहा है। प्रेज गॉड। और आज अगर जब उसके डालिया में आते हैं, बैठते हैं, तो आपको शांति मिलती है, रेस्ट मिलती है, आराम मिलती है। ये सिंपल सा वचन है। लास्ट में मैं एक छोटा सा कड़ी को एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आमेन, हालेलुया। हम कहेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग का राज का असर जो है वही आज इंसान के लिए जवाब है, उनके लिए सल्यूशन है, उसके लिए आंसर है। और इसीलिए अइज़ाया नबी के पुस्तक में 9:6-7 में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे अइज़ाया 9:6-7 में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। एक मिनट, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, कांधे पर होगी, किसके? यीशु मसीह के। ओके, कांधे पर होगी। लेकिन जब यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, इंसान के रूप में देखते हैं तो हम लोग कांधा बोलेंगे, लेकिन यही बोलता है यीशु मसीह, जो दृष्टांत बोला है ना, मेरा जुआ उठा लो। तो यीशु मसीह अपने आप को बैल के रूप में कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, और हमको भी एक बैल बोल रहा है। तो जब बैल कहोगा तो बैल यहां पर खांधे में, इस जगह में, नेक में अपना जुआ को उठाता है। तो देखिए यीशु मसीह के खांधे में क्या आया है? राज आया है, और बोल रहा है वो राज को मैं, हम दोनों उठाते हैं, मेरे खांधे में है, आओ मुझसे सीखो, ये हल्का है, बोल रहा है, और जुआ के दूसरे साइड में आप भी आ जाओ, क्योंकि मेरे कांधे में क्या है? राज्य है, और इसी राज्य को मैं आपके कांधे में डालना चाहता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने
चेलों से कहा, मेरा जैसे मेरा पिता मेरे लिए एक राज ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज ठहराता हूं। मेरा पिता ने मेरे कांधे में राज दे दिया और मैं उस बैल के समान हूं, तुम लोग भी बैल हो, आ जाओ एक ही जगह में, हम लोग चलते हैं, जुआ उठा लेते हैं और जुआ को उठा लो, मैं मन में दीन हूं, मुझसे सीखो। ये बात को यीशु मसीह कह रहा है। इसका मतलब प्रभु एक्चुअली एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, बिना राज को समझे, बिना राज को अपने कंधे में लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसका ऊपर बोला है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम देगा? मुझसे सीखो। कौन सा, क्या चीज सीखो? मेरे राज के विषय में जो मेरे खांधे में है, तुम भी अपने खांधे में ले लो, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करो, हर प्रकार से हर पहलुओं को जानो, जितना जितना उसके पहलुओं को जानोगे और उसमें जो जो करने के लिए कहा गया है वो करोगे, तो तुम्हें मन में विश्राम मिलेगा, तुम आराम पाओगे। प्रेज गॉड, इसीलिए प्रभु ने बुलाया है, आओ कहता है। फिर कहता है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसका गवर्नमेंट, उसका राज सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यह है पॉइंट, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के राज में असीम शांति है, अबंडेंट पीस। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने पुत्र को राज दिया। कैसे? राज को क्या किया है? राय के दाने के बराबर, जैसे इज़राइल में आया और वहां पर स्थापित किया और पवित्र आत्मा के द्वारा से आज ये फैल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? गवर्नर है, मैं बताया था। आप किंगडम सीरीज को पढ़ेंगे तो आपको सब, आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो हमने यूट्यूब में छोड़ा है। राज्य का गवर्नर है कौन? पवित्र आत्मा, ये हमको सिखाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक राय के दाने के जैसा छोटा सा, सोचे होंगे यीशु मसीह को मार देंगे खत्म हो जाएगा वो, क्या उसका राज के विषय बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ और आज भी जीवित है और उसका राज फैलता चला जा रहा है, उसकी शाखाएं फैल रही है और पृथ्वी भर में फैल जा रहा है। आमेन। और उसमें हम लोग आज बशेरा कर रहे हैं, बशेरा कर रहे हैं। आमेन, आमेन। सो ये राज एक राय के दाने के जैसा जब बोया गया है इसको और जब निकल रहा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये अपने ओर आकर्षित करता है लोगों को। और किनको आकर्षित करता है? जाति जाति के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, क्योंकि मसीहत जो है वो धर्म नहीं है। धर्म डराता है, धर्म में डाउट होता है, धर्म में भय होता है, धर्म जो बोलते रिलीजियन। लेकिन यीशु मसीह धर्म के विषय में नहीं बताने आया, यीशु मसीह राज के विषय में बताने आया, एक किंगडम के विषय में बताना है, एक गवर्नमेंट के विषय में बताने आया। इसी चीज को तो लोगों के अंदर में घुस नहीं रहा है मैटर। प्रेज गॉड, आमेन। सो आइए देखते हैं परमेश्वर का राज का असर क्या क्या, किस किस स्टाइल का होता है। परमेश्वर के राज में मल्टीप्लीकेशन होता है, बहुगुणित होता है, कोई भी चीज इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए एक उदाहरण को देखेंगे हम लोग, मरकुस उसका 8:1-9 पढ़ेंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। एक मिनट, यीशु मसीह केवल वचन सुनने नहीं बुलाता है। ये लोग 3 दिन से एक बड़ी भीड़ वचन सुन रहे थे और यीशु कहता है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है बात, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं, मुझे इन पर तरस आता है, तुम कुछ खाने को दो बोलता है।
हालेलुया। तो यीशु मसीह भीड़ को देख के तरस खाता है, आपको देख के तरस खाता है। अगर इतने समय से परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो यूं ही आपको घर नहीं भेजेगा। हालेलुया, आपको कुछ देना चाहता है प्रभु और आपके जीवन में मल्टीप्लाई करना चाहता है। देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन कैसा हुआ है, बहुगुणित कैसा हुआ है। और ये बहुगुणित क्यों हुआ? क्योंकि राज का असर ऐसा है कि कोई चीज को बहुगुणित करता है, मल्टीप्लाई करता है। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे नीचे, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से ले आए कि ये तृप्त हों? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? इतनी रोटी तो नहीं है हमारे पास में, कहाँ से इतने लोग लाएंगे? तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोलता है, उन्होंने कहा सात। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे सात रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खा कर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के सात टोकरे भरकर उठाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर का राज्य का असर राजा के साथ में है। एक बात पहले भी किंगडम सीरीज में बताया था मैंने, जहां पर राजा प्रेजेंट होता है तो उसका सारा गवर्नमेंट सिस्टम भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसको उदाहरण देने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, अगर हमारे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर हमारे एरिया में आता है तो क्या होगा ना, चीफ मिनिस्टर आया तो प्रोटोकॉल के अनुसार, ये ऑफिशियली प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा कि भाई कलेक्टर वहां का तुमको आना है बोल के। कलेक्टर को मालूम है कि चीफ मिनिस्टर आया है तो कलेक्टर को आना है, उस एरिया का BDO को आना है, उस एरिया के SP को आना है, उस एरिया का IG DIG जो भी है उसको आना पड़ेगा वहां पर। ये प्रोटोकॉल बोलता है। हालेलुया। मैंने सारा गवर्निंग बॉडी को वहां पर आना पड़ता है। तो यीशु मसीह जहां पर रहता है वहां पर स्वर्ग का असर को भी आना पड़ता है। तो स्वर्ग का असर यहां पर क्या कर रहा है, कुछ सात रोटी है और कुछ मछली है, जो 4,000 लोग करीब हैं, उससे भी ज्यादा होंगे, बच्चे लोगों का गिनती नहीं भी हुआ होगा। इतने लोगों को थोड़े से चीज को हम लोग कैसे देंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के जीवन में कोई चीज बहुत थोड़ा सा लगता है ना, लेकिन पहले प्रभु के हाथ में उसको समर्पित करके देखिए और बोलिए, राज का असर मेरे इन थोड़े से चीजों के ऊपर में आए। थोड़ा सा धन है, प्रभु के हाथ में उसको सौंपिए। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा तेल था और मैदा था उस विधवा के पास में, एलिया के टाइम में उन्हें परमेश्वर के राज्य में उसको समर्पित किया। परमेश्वर के राज्य का असर वहां भी दिखाई देता है। उस अकाल के टाइम में तेल नहीं घटा और मैदा नहीं घटा, वो लोग जीवित रहने पाए। ये राज का असर इस प्रकार से है, उसका इफेक्ट है। प्रेज गॉड। राई के दाने के जैसा रहता है, लेकिन जब निकलता है तो इतना पावरफुली निकलता है, उसमें पावर रहता है, वो बढ़ोतरी ऐसा रहता है कि चिड़िया आकर बसेरा करते हैं। आज क्यों लोग इस राज के अंदर में आना चाहते हैं, क्यों बसेरा करना चाहते हैं, आप क्यों बसेरा करना चाहते हैं? क्योंकि इस राज का असर में क्या असर है, मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज बहुगुणित होता है। इसीलिए हम लोग जो डरते हैं कई बार, मेरा पास तो थोड़ा सा है क्या होगा, मैं बताता हूं, परमेश्वर का राज का असर जो है, इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस जो है, आपके पास में जो भी थोड़ा है उसको ज्यादा करने का ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपका फाइनेंस जो लिमिटेड है, जिसके द्वारा सब घर बनाना चाहते हैं, आपका बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप प्रभु के पास में जब लाते हैं उसको, यीशु मसीह के नाम से बहुगुणित हो जाए और उसके द्वारा से आप बड़े बड़े काम करने पाए। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ गॉड। यस, परमेश्वर के राज के असर में बहुगुणित होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट, परमेश्वर के राज के असर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, बदलाहट होता है, बदलती है चीज, भावनाएं बदलती है, दिल बदल जाता है, मन बदल जाता है। प्रेज गॉड। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक जगह का घटना, सब लोग वाकिफ है, मैं अकलंग एंगल से आप लोगों को राई के दाने के जो बराबर जो राज है वो बड़ा होता है तो वहां पर चिड़िया बसेरा करते हैं वो बता रहा हूं। चिड़िया क्यों बसेरा करते हैं?
क्योंकि राज जो राई के दाने के बराबर जो होता है ना, उसमें ऐसा पावर है, वो एक्सपेंशन जब बढ़ता है वो, तो वहां पर आके लोग रेस्ट करेंगे, चिड़िया रेस्ट करेंगे। आज हम लोग चिड़िया के समान है, हम लोग इस असर में रेस्ट करते हैं, हमको मिलता है पीस मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का असर दिखाई देता है, इसीलिए वो अट्रैक्ट करता है हम लोगों को। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, चेंज होता है, बदलती है। लुका उसका 19 उसका 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ? वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ, चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था, बोलता है एक व्यक्ति। ठीक है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हाँ, यीशु मसीह को देखना चाहता था कि कौन सा है भाई। इसके विषय में मैंने बड़ी चर्चा सुनी है, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया। ये कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है? ये कौन है जो अद्भुत काम कर रहा है? ये कौन है जो अंधों को आंखें दे रहा है? उसको देखने का चाह जागरूक हुआ। लेकिन चुंगी लेने वाले के पास तो अधिकार तो था रोमी साम्राज्य के ओर से, लेकिन लोग इसको तिरस्कार करते थे, इसको रिजेक्ट करते थे, उनसे दूर रहना चाहते थे, उनको गालियां देते थे, उनको लोग पापी बोलते थे। हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो ये क्या करूं, कैसे करूं? और ये तो नाटा व्यक्ति था, हमेशा यीशु मसीह को लोग घेरे रहते थे, तो यीशु मसीह को भली भांति देखने नहीं पाता था। तो यीशु मसीह को भली भांति देखना चाह रहा था। अभी क्या कर रहा है देखेंगे। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यस। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह कहता है उसको गुल्लर के पेड़ से, उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं। फिर आगे, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की, वह तो एक पापी व्यक्ति है। फिर वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, यीशु मसीह जहां पर उपस्थित है उसके साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पावर, बदल देने वाला, जिंदगी को बदल देने वाला प्रभु का रूह बहता है, उसका असर आता है। और ये व्यक्ति इतने दिनों तक उल्टा पुल्टा काम करके पैसा कमाया था, लोगों के ऊपर में दबाव डाला था होगा, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश किया। राज का असर ऐसा है, उसका हार्ट को, उसका माइंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, कोई माँ अगर सुबह वचन सुन रहा है, आपके घर में आपका बेटा नहीं बदल रहा है, अगर कोई पत्नी ये सोच रहा है, सोच रही है कि मेरे पति का जीवन में बदलाहट हो, मैं बताना चाहता हूं, इस यीशु मसीह को निरंतर प्रार्थना करते रहिए और बोलते रहिए और घोषणा कीजिए, जक्कई के जीवन में जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरे बेटे के जीवन में चेंज आ जाए, मेरे पति के जीवन में चेंज आ जाए। अगर कोई पति चाहता है कि उसके पत्नी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो पहला वो व्यक्ति परमेश्वर के राज का असर में खुद डूब जाए। आप चाहते हैं आपके घर में उद्धार आए, आप वो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे ही जक्कई, पहले उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन प्रभु क्या कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब जक्कई के द्वारा से उस घर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप अपने घर में चेंज आए, परमेश्वर का राज का असर आए, बोल के गुल्लर के पेड़ में चढ़ेंगे, यीशु मसीह को बेहतर रूप से देखना चाहेंगे, उसके राज को बेहतर रूप से समझने की कोशिश करेंगे गुल्लर का पेड़ में चढ़कर, कि मैंने अब तक परमेश्वर का राज के बहुत सारे पहलुओं को समझा नहीं हूं, जाना नहीं हूं, लेकिन आज मैं गुल्लर के पेड़ में चढ़ूंगा और यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानूंगा, उसके राज की विषय में अच्छी तरह से खोजूंगा, समझूंगा, और मैं उस राज का असर को अपने घर परिवार में मैं लेकर आऊंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे घर परिवार में वो राज का असर आए और ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे। आपके परिवार से नशाखोरी दूर हो जाएगा, आपके परिवार से ढिठाईपन दूर हो जाएगा। उस राज का असर को कि समझिए और जानिए। हालेलुया,
और अपने परिवार के लिए उसको अर्जित कर लीजिए, उसको ले लीजिए। क्या ऐसे वचन नहीं कहा? प्रेरितों का काम उसका 16 का 31 में एक व्यक्ति से कह रहा है पहले यीशु, यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है उसके लिए उम्मीद है उसके परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब विश्वास करता है उसके जीवन में पहले परमेश्वर का राज का असर आता है, और उस राज में जब जीता है, उस असर में जब जीता है, वो राज का असर उसके घर परिवार में फैलते फैलते चला जाता है। मेरे परिवार में हम लोग एक मसीह परिवार से ताल्लुक रखते थे बचपन से, लेकिन नया जन्म का अनुभव नहीं था हमको। नया जन्म क्या है हमको नहीं मालूम था। घर परिवार में श्राप थी, और पहला प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद मेरी माँ ग्रहण की, उसके बाद मेरी बहन, दोनों जन ग्रहण किए, मेरे बहन, उसके बाद लास्ट में मेरा पिता ग्रहण किया, और इस प्रकार से हमारा पूरा परिवार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर के राज्य में आ गया। हर एक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा पिता, मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग बोलते होंगे मेरे घर में नशा है, छूट नहीं रहे। मेरे पिता तंबाकू का सेवन करते थे और छोड़ने नहीं पा रहे थे उसको। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना किए, उनको काउंसलिंग किए, वो भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, और राज का असर इतना जबरदस्त आया कि एडिक्शन से छुटकारा दिला दिया। हालेलुया, उसके ऊपर मैं जय प्राप्त करने पाया। आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है। राज का असर भयंकर असर है, और ये असर तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। छोटे से राई के दाने के जैसा काम हो चालू होता है हमारे घर में, लेकिन उसकी शाखाएं बढ़ जाती है। प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। फिर परमेश्वर का राज क्या करता है? इन द किंगडम एफेक्ट देयर इज कंफर्ट। राज के असर में तसल्ली मिलती है, दिल को बड़ा चैन, बड़ा तसल्ली। ये तसल्ली देने वाला असर है, हा? जब पूरी रीति से सब कुछ चौपट हो गया ऐसा लगता है, नुकसान हो गया है जैसा लगता है, निराशा घेर के रखता है, आगे रास्ता नहीं है जैसा दिखता है। यहां पर एक मां का ऐसे स्थिति परिस्थिति था, प्रभु ने इसको तसल्ली दिया। कैसे? लुका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 से लेकर 15 आयत तक देखिए यहां पर क्या लिखता है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। यीशु मसीह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेके जा रहे थे। प्रेज गॉड, एक फाटक के पास पहुंचा, वो फाटक से अब डेड बॉडी बाहर कब्रिस्तान की ओर जाएगा, और उसी जगह में और एक फाटक है, द्वार है। यीशु मसीह कहता है मैं वो द्वार हूं। हालेलुया, यीशु मसीह भी एक द्वार है, और वो द्वार जिंदगी देने वाला द्वार है, और इस द्वार के साथ में एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया। एक दरवाजा जिस जो कि कब्र की तरफ लेके जाता, और एक दरवाजा वहां आ गया जो जिंदगी की ओर जाता है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। ओके, अभी देखिए ये आत्मिक दरवाजा वहां पर खड़ा है, वो यीशु मसीह है। क्या हो रहा है? जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, एक विधवा है, एक तो विधवा है, मैंने पति का गम कितने समय तक उसको सताया है। उसके पास जो उम्मीद है वो था उसका बेटा, उसका जवान लड़का। अब क्या हुआ? उसका जवान लड़का भी गुजर गया। ऐसे स्थिति परिस्थिति में कौन भला इसको तसल्ली दिलाएगा जब पति नहीं है और जब बेटा नहीं है? अगर मैं जीऊं तो मैं किसके लिए जीऊं बोलेगी? ऐसे टाइम में ये यीशु मसीह दरवाजा वहां पर है, और इस दरवाजे में के साथ एनकाउंटर हो गया, और यीशु क्या करता है पढ़ेंगे। और उससे कहा मत रो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया, और कितना सुंदर बात लगता है, उसके माँ को सौंप दिया, सौंप दिया। मम्मी जी लेके जाइए, आपका हृदय को टूटने नहीं दूंगा मैं। ये आपको तसल्ली दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हमको कंफर्ट देता है। जहां पर टोटल सब कुछ चौपट हो गया है ऐसा लगता है, खत्म हो गया है, आगे मेरे लिए कुछ नहीं बचा है ऐसा लगता है, तो यीशु मसीह जो राज हमारे जीवन में
का असर आया है यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर का राज का असर मूव करता था। परमेश्वर का राज का असर क्या किया, इस माँ को तसल्ली दिया। आपके जीवन में भी परमेश्वर का राज का असर आपको तसल्ली देता है, तसल्ली देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर परमेश्वर का राज का असर क्या करता है, वापसी कराता है। तसल्ली के साथ साथ में वापसी कराता है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं रेस्टोर करता है, रेस्टोरेशन देता है। आइए देखते हैं किसको, एक परिवार में। यहां पर भी मृत्यु घट हो गया था एक भाई का, मार्था और मरियम को हम लोग भलीभांति जानते हैं, जहां पर यीशु मसीह आया जाया करता था, वहां भोजन करता था, चेलों के साथ में रहता था, और मार्था मरियम को, उसके भाई को लाजर को यीशु मसीह प्रेम करता था। एक टाइम ऐसा हुआ लाजर बीमार पड़ गया, यीशु मसीह दूसरे गांव में गया हुआ था, यीशु मसीह के पास में खबर भेजाया गया कि आओ आपका मित्र लाजर बीमार है बोलकर, लेकिन यीशु मसीह नहीं आता है, वो रुक के कुछ दिनों के बाद आता है, तब तक लाजर मर गया है। सब लोग रो रहे हैं, और लाजर को 4 दिन हो गया है, उसको कब्र में डाल चुके हैं और मातम मना रहे हैं। ऐसे टाइम में यीशु मसीह आता है और लोगों को कहता है, उनके घर वालों को कहता है, मुझे कब्र के पास में ले चलो। इस जगह का घटना भी देखिए किस तरह से बातें हो रही है। यूहन्ना उसका 11:39-44 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। क्यों दुर्गंध आएगी? क्योंकि उसका शरीर सड़ चुका है, 4 दिन हो गए हैं। ओके, थोड़ा सा देखिए, इसको सड़ गया है, उसकी आंखें बाहर आ गई होगी, उसका गुर्दे सड़ गए हैं, शरीर का हर अंश, हर भाग, उसका हार्ट, लंग्स, अंतड़ियां, लिवर, पैंक्रियास, शरीर का एक एक अंग सड़ गया है। ओके, अभी यहां पर आया है यीशु मसीह, वो तो बास मार रहा होगा, बोल रहा है। फिर आगे क्या होता है? क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ये बात यहाँ बोल रहे, याद, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मैं बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, महिमा से भरा हुआ काम को देखेंगे, खालाबा सांथा रे बोजिया, रेस्टोरेशन को देखेंगे, वापसी को देखेंगे। आपका जो चीज स्कैटर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, नुकसान हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है, वो फिर से रेस्टोर हो सकता है। ये परिवार टूट गया था, प्रभु इसको रेस्टोर करने के लिए आया है, उसको फिर से वापसी कराने के लिए आया है। पढ़ेंगे आगे क्या लिखता है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े सब से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। Praise God. Hallelujah. Amen. यीशु मसीह वहां पर खड़ा था और उस कब्र में उसने झांका और कहा, हे लाजर, बाहर आ। और लाजर बाहर आया। इसको प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मुझे आके अच्छी लगती है। यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह जब पतमोस टापू में दर्शन देता है यूहन्ना को, तो उसके बाल श्वेत हैं। ओके, उसके जीभ से जिसे तलवार निकल रहे हैं से लग रहा है, उसके पैर पीतल के समान है। यानी जहां पर खड़ा हो गया यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, उसके पैर को कोई हिला नहीं सकता, उसका जमा हुआ पैर को हिला नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड, आपके अंदर में यीशु मसीह है, आप उस अधिकार के साथ में कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो आपको भी कोई हिलाने नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पैर के साथ में यीशु का पैर है, पीतल समान जो दिखता है उसका पैर है। हमने यीशु, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को पहन लेते हैं ना बपतिस्मा में। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। और उसकी आंखें जो है आग की ज्वाला के समान है, एक एक्सरे मशीन के समान है, वो कोई भी चीज को भेद सकती है। तो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन बताते थे, यीशु मसीह का आंख कब्र में गया, लेकिन क्या वो सड़ा हुआ लाश को देख रहा था? नहीं,
वो उस संसार में देख रहा था जहां पर मरने के बाद में आत्माओं को रखा जाता है। ढेर सारे जवानों को एक जगह में रखा हुआ था और उस जवान में लाजर का आत्मा कहां पर है उसे देख रहा था। और जैसे उसकी नजर लाजर के आत्मा के ऊपर में टिका उस जगह में जहां पर मुर्दे लोगों का आत्मा, मरा हुए लोगों का आत्मा को रखा जाता है, हालेलुया, वहां से उसने देखा और बुलाया, लाजर बाहर आ। कब्र से बाहर आया बोल के नहीं, लेकिन उस जगह से बाहर आ बोला। जब वहां से बाहर आ बोला तो वो आत्मा को आना पड़ा, लाजर के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। लेकिन यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्रेज द लॉर्ड, चार दिन में उसके शरीर के एक एक अंग गल गए थे, एक एक अंग गल गए थे। इसका मतलब इसके साथ में प्रभु ने हर अंग को नया दिया, शरीर में आंखें नया दी, गुर्दों को नया दिया, हार्ट एक नया दिया, अंतड़ियों को, शरीर का हर एक अंग एक नया आया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर जब हम विश्वास करते हैं तो बहुत सारा चीज नया आ जाता है। ऐसे अद्भुत काम को प्रभु करता है। टीएल ऑसबोर्न का मीटिंग में ऐसे ही भयंकर हीलिंग और मिराकल होते थे। कुछ लोगों के पैर बचपन से एक एक फीट छोटा हो रहते थे और लोग नीचे में एक एक्स्ट्रा सोल जूता में लगा के रखते थे और उसको पहन के आते थे। और जब प्रभु के दास प्रार्थना करते थे टीएल ऑसबोर्न, तो लोगों का आंखों के सामने स्टेज में जिसका पैर एक फीट छोटा है एक फीट लंबा हो जाता था और बराबर हो जाता था। ऐसे अद्भुत काम प्रभु ने किए हैं, करते हैं और आज भी कर रहे हैं। यह होता कैसे है? क्योंकि उसका राज्य का असर ऐसा है, किंगडम का पावर ऐसा है। और इसीलिए तो आज भीड़ के भीड़ लोग बसेरा करने के लिए इस राज्य के अंदर में आते हैं, उन शाखाओं में आते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस मसीह लाजर को बाहर बुलाया और इस परिवार को रेस्टोर किया, उसके शरीर के अंग को रेस्टोर किया, वापसी किया हर एक अंग को। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य का में और एक चीज है, उसका असर में कोई घटी कमी नहीं है। देयर इज नो लैक। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए लुका रचित सुसमाचार उसका 22 उसका 35, उसमें यूं कहता है, जब चेला लोगों को यीशु मसीह भेजा था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपने सेवा के लिए, और जो लोग लौट कर आते हैं, तो यीशु मसीह इन चेलों को पूछा है, बोलता है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, मतलब यीशु मसीह जब चेलों को भेजा था ना, पर्स लेके जाना नहीं बोला था, झोली लेके नहीं जाना बोला था, एक्स्ट्रा ड्रेस लेके नहीं जाना बोला था, है ना, जूता एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना बोला था, ओके, भेजा था, तो यीशु मसीह उनको पूछता, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? इनका जवाब क्या होता है चेलों का? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है। उसका असर क्या करता है? नया चीज पैदा करता है। जो नीड्स है उसको आपके पास में ट्रांसफर कराता है, वो ट्रांसफर होकर आएगा आपके पास में, प्रभु लेकर आएगा आपका हर एक नीड्स को। ये राज का असर जो है वो ट्रांसपोर्ट कराएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल बोलता हूं, नौका को पानी में डाल रखा जाता है, उसका लहर ऐसे रहता है तो नौका ना उस लहर के द्वारा से मूव करते करते कहीं दूसरा तरफ चला जाता है। उसी तरह से परमेश्वर का राज का असर का लहर इस तरह से है, उसको जब समझते हैं उसके असर को, वो लहर में आपका जरूरत, आपका नीड्स क्या चाहिए आपको, वो उस लहर में होते होते हुए आपके पास में पहुंचेगा और किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। प्रेज गॉड। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं इंटरेस्टिंग इस बात में, जो चीज की हम लोग मिस करते हैं, इसको सुन के जाइए ध्यान से। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज के पूरा असर को एंजॉय नहीं करते हैं, उसका आनंद नहीं उठाते हैं। उसका क्या कारण है? वाई परमेश्वर का राज जब इतना बड़ा हर आयाम को देखें तो इस प्रकार का काम होता है, उसका असर में हम लोग देख रहे हैं, तो क्यों परमेश्वर के राज का बाकी असर को वो लोग एक्सेस नहीं करने पाते हैं, क्यों उसका आनंद नहीं उठाने पाते हैं? मैं पढ़ रहा हूं इस दृष्टांत को फिर से, लुका 13:18-19,
इसमें एक बात को हम आपको बताना चाहते हैं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया, वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आप बोल सकते हैं अपने घर में, डालियों पर बसेरा किया। आम तौर में आप देखिएगा, किसी पेड़ के नीचे रहिए किसी दिन, और उस पेड़ में जब कोई चिड़िया आता है और बैठता है एक डाली में, क्या करता है वो चिड़िया? वो एक ही डाली में नहीं रहता है, एक डाली से दूसरा डाली जंप करता है, दूसरा से तीसरा। हर डाली का शेप अलग अलग होता है, कोई डाली छोटा होता है, कोई डाली बड़ा होता है। तो चिड़िया को कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई तुम एक ही डाली में बैठे रहो। पेड़, पूरा पेड़ दिया गया है और वो एक ही डाली में नहीं रहता है, इस डाली से उस डाली, इस डाली से उस डाली, हर डाली में मूव कर सकता है। हर डाली का अपना आनंद है, हर डाली का अपना बेनिफिट है, हर डाली का अपना आशीष है। प्रेज गॉड। यहां पर चूकते हैं, आपको किसने मना किया है एक डाली से दूसरा डाली में मूव करने के लिए? प्रॉब्लम आपका क्या होता है? हर डाली का ज्ञान नहीं है। ओके, मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमको पूरा राज दे दिया गया है, लेकिन इस डाली से उस डाली, एक डाली में हीलिंग है का इफेक्ट है तो एक डाली में धन का आशीष है, एक डाली में शांति का आशीष है तो एक डाली में मिरेकल का आशीष है। तो डाली में आपको ना मूव करना है, आपको दिया गया है। क्यों मूव नहीं करने पाते हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं हर डाली का। हम लोग हमारे शहर में जब मेला लगता है, फेयर, वहां पर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं हम लोग, और पूरा मेला में बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारे चीज रहते हैं। एक जो होता है जायंट व्हील, बड़ा सा चक्री ऊपर से नीचे, मुझे डर लगता है उसमें बैठने के लिए। जब उसमें बैठते हैं तो यूं घूमता है, उसका आनंद, उसका अचंबा, उसका रोमांच अलग होता है। फिर उसके बाद में और एक जगह होता है जिसको ब्रेक डांस बोलते हैं। वो थोड़ा सा एक ऐसा चक्री रहता है जो टेढ़ा थोड़ा घूमता है, वो घूमता है और चौकी अलग से फिर अंदर से फिर घूमता है। मैं कभी बैठा नहीं, ये घुमाने वाला में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, लेकिन बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। कुछ लोग वो घूमता है फिर चौकी अलग से घूमता है, वहां घूमते हैं। फिर और एक जगह है जहां पर क्या करते हैं, एक ट्रेन के समान होता है जो ऊपर नीचे इधर उधर सांप के समान जाता है और उसमें बच्चे लोग एंजॉय करते हैं, वही मेला के हमें। फिर और एक जगह है जहां पर एक डॉल रखा रहेगा, बच्चों के हाथ में रिंग दिया जाता है और उस डॉल के ऊपर में फेंको और रिंग अगर डॉल के में फंस जाता है तो आपको प्राइज दिया जाएगा। बड़े चाव से बच्चे लोग खेलते हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार का इक्विपमेंट्स रहता है जिससे एंजॉय किया जाता है, लेकिन आपको हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर में जाना पड़ता है और आपको अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। एक ही टिकट में सब नहीं रहता है, हाँ कुछ कुछ जगह में बड़ा बड़ा जैसे डिज्नी वर्ल्ड है, लेकिन उसमें भी अंदर जाने के बाद में चॉइस है, पैकेज है। तो जो चॉइस का आप टिकट लिए उसका आप आनंद उठाएंगे, जिसका टिकट नहीं लिए एंट्री नहीं है, लेकिन आप वो डिज्नी वर्ल्ड पूरा घेरा के अंदर घुस सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के राज में आप आ गए हैं, जैसे टिकट अलग अलग जगह का लेना पड़ता है, तो आज परमेश्वर के राज के अंदर में जो अलग अलग जो डालियां हैं उस डालियों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बोला मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो। कौन सा जुआ? परमेश्वर का राज जो यीशु के खांदे में है, वो हमारे अंदर हमारे खांदे में ट्रांसफर करता है, देता है। कैसे? ज्ञान के द्वारा से। जब सीखते हैं, ओके हीलिंग का आशीष को मैं ऐसे ले सकता हूं, ओके फाइनेंस का आशीष मेरे जीवन में ऐसे आ सकता है, हर एक का दायरा अलग अलग है, अलग अलग काउंटर से आपको सीखना पड़ेगा। ओके उसके बाद में मेरे जीवन में शांति ऐसे बढ़ेगा, ओके मेरे जीवन में प्रोटेक्शन ऐसा बढ़ेगा, सुरक्षा। अलग अलग डालियां हैं, प्रेज गॉड, और इसमें चिड़िया बसेरा करते हैं। आप वो चिड़िया हैं, एक ही डाली में मत बैठिए, अलग अलग डाली में जाइए और हर डाली का फुल फ्लेज आनंद उठाइए। आपका जीवन असरदार दिखेगा,
और आपका जीवन में जब असर दिखेगा, आप जब गवाही देंगे, दूसरे लोग बोलेंगे मुझे ये राज चाहिए, तब आप जाके यीशु के विषय में बता सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, आपका जीवन ही असरदार दिखेगा, लोग आपके जीवन को देखकर इस डाली में आकर बैठना चाहेंगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम कर सकते हैं, एक सेवा का काम कर सकते हैं। आमीन। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु हमें बुद्धि दे और समझ दे, हमें ज्ञान दे लॉर्ड, ताकि प्रभु जी जिस राज्य का असर में हम प्रवेश किए हैं लॉर्ड, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अच्छा अलग अलग डालियां हैं प्रभु जी, हम एक ही डाली का आनंद नहीं उठाना चाहते प्रभु जी, हमें प्रभु जी हर डालियां का ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हम लोग अलग अलग डाली में प्रभु जी मूव करने पाएंगे और प्रभु जी उसका असर में हम जीने पाएंगे प्रभु जी, ताकि पूरा पूरा आपका राज का असर प्रभु जी में तरोबर हो जाएं प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं इन तमाम बातों को समझने पाए प्रभु जी और आशीषित होने पाए प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने लास्ट बार अनाउंस किया था कि हम अपना इस चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम को अपग्रेड करने जा रहे हैं, जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा बाहर में आउटडोर शूटिंग होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टिप्स और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ बातों को लेकर आएंगे, और बड़ा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 10 मिनट का 15 मिनट का रहेगा, लेकिन ढेर सारे बातें आप सुनने को पाएंगे, इसलिए प्रार्थना पूर्वक आप इंतजार कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उन बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।